गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.4 इन 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों यहां पे हम लोग एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन 2 में सेकंड क्वेश्चन, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, 5 साल पहले की बात हो रही है, नूरी की एज सोनू की एज के 3 टाइम थी। 10 ईयर लेटर, उसके बाद सेकंड कंडीशन में 10 ईयर लेटर 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज सोनू की एज की 2 टाइम्स होगी। फाइंड एज ऑफ सोनू एंड नूरी। तो दोस्तों हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फाइव ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। अब यहाँ पे फाइव ईयर एगो नूरी एज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई थ्राइस एज ओल्ड सोनू, यहाँ पे राइट करेंगे 5 ईयर एगो सोनू एज। दोस्तों अब यहाँ पे 5 ईयर एगो नूरी की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज x है तो यहाँ पे x माइनस 5 राइट करोगे इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 ईयर एगो सोनू की एज क्या होगी y माइनस 5। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 3 जा 15। अब यहाँ पे x 3y को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब इसी तरह से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, 10 ईयर लेटर नूरी एज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि इसमें कहा गया है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 ईयर लेटर सोनू एज। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग 10 साल के बाद नूरी की एज होगी x प्लस 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 10। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 210 जा 20, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 को माइनस करोगे तो 10 आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे कौन से मेथड के थ्रू, इलिमिनेशन के मेथड के थ्रू। ओके दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने 2 इक्वेशंस अभी क्रिएट किए हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो दोस्तों यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इलिमिनेशन मेथड में क्या चेक करते हैं कि दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट पहले चेक करोगे कि सेम है या नहीं है, तो सेम है।
तब इनको हम सब्ट्रैक्ट करके यक्स को इलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप राइट करोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन टू राइट करेंगे, पहले x माइनस टू वाई इक्वल टू टेन, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस टेन, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये प्लस, ये इससे कट हुआ, 3y प्लस में है, 3y माइनस टू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू टेन प्लस टेन इक्वल टू ट्वेंटी, इस तरह से y इक्वल टू ट्वेंटी आ गया, y की वैल्यू 20 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टेन, तो x इक्वल टू होगा टेन प्लस टू वाई, तो x इक्वल टू, अब यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग 20 पुट करेंगे, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 20, एक्स इक्वल टू 10 प्लस 40, एक्स इक्वल टू 50, ये आपका सोल्यूशन आ गया, x प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो यहाँ पे आप राइट करोगे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू 20 ईयर। तो दोस्तों नूरी की एज आ गई 50 ईयर, सोनू की एज आ गई 20 ईयर। अगर आपको वेरीफाई करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो किसमें कहा गया 5 ईयर एगो नूरी की एज होगी 45, 5 ईयर एगो नूरी की एज होगी 45 एंड सोनू की एज 5 ईयर एगो 15 ईयर होगी। तो आप देख सकते हो कि 45 इज 3 times of 15, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करें, 10 ईयर लेटर की बात करें तो 10 साल के बाद नूरी की एज होगी 60 और 10 ईयर लेटर सोनू की एज होगी, यहाँ पे 20 में 10 ऐड करो दोगे तो ये हो जाएगा 30। तो आप देख सकते हो 60 इज 2 times of 30, मीन्स नूरी की एज सोनू की एज का 2 times हो गया, कब, आफ्टर 10 ईयर। इस तरह से दोनों की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।